अभी मैं भी अच्छा हूँ। अरे तूने व्लॉग स्टार्ट भी कर दिया, मुझे तो आने दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है तनु परम यूट्यूब बड़ी। थैंक यू, आप लोगों ने इतने सारा अप्रिशिएट किया हम लोगों के व्लॉग को, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अगेन। पर आज हम लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो कि मतलब अहमदाबाद का मस्ट विजिट प्लेस है, कि अहमदाबाद में अगर आप में से कोई भी आता है तो आपको उस प्लेस में तो जाना ही जाना है। और वो परम की फेवरेट जगह है, उसका नाम है माणक चौक। क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है, तो परम का है हॉलीडे, सो हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए भी। और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अगर डिनर के लिए जा रहे तो आप लोगों को भी वो विजिट करवा ही देते हैं। सो चलो चलते हैं, लेट्स गो। अभी ज्वाइन किया है स्वीटू ने, और स्वीटू मुझे माणक चौक की एक कुछ पता नहीं अजीब सी स्टोरी सुना रहे थे। सो मुझे लगा कि वो सब आप लोगों के साथ में तो जरूर शेयर करनी चाहिए, नहीं स्वीटू? क्योंकि बहुत कम लोगों को ये स्टोरी पता होगी। वहाँ पे एक जामा मस्जिद बनाई गई थी, वहाँ पे माणक जादूगर करके एक बहुत बड़ा तांत्रिक वहाँ पे रहता था, और वो जादूगर मतलब वहाँ पे जामा मस्जिद बनने नहीं दे रहा था। तो अहमदाबाद जिन्होंने बसाया वो अहमद शाह बादशाह थे, उन्होंने उस जो जादूगर को एक बोतल में कैद कर दिया और जामा मस्जिद के पिलर के नीचे उसको गाड़ दिया। और उसने बोतल में कैद होने के साथ में शर्त रखी थी कि माणक चौक में रोज का सोना काफ़ी उसके सर के ऊपर काफ़ी भारी मात्रा में मतलब घिसना चाहिए। मैं पहले ये बता दूं कि माणक चौक जो है वो अहमदाबाद में ऐसी जगह है कि जो कि सिर्फ गोल्ड का ही वहाँ पे काम होता है, सारी वहाँ पे गोल्ड जो ज्वेलरी की शॉप्स हैं ना। हाँ, वो वहाँ पे जो जिनकी जो डिमांड थी कि भाई उसके नाम से वहाँ पे वो पूरा एरिया भी उसके नाम से ही बसाया गया। हाँ। और उसने शर्त रखी थी कि वहाँ पे रोज का कई सारा सोना मतलब वहाँ पे आना चाहिए, तभी वो दबा हुआ रहेगा। अगर किसी दिन अगर माणक चौक में सोनियों का काम बंद हो गया तो जिन बाहर आ जाएगा। क्या और तुम डरावनी बातें कर रहे, जिन बाहर आ जाएगा। सो हम लोग जस्ट अभी माणक चौक पहुंच गए और फाइनली हम लोगों को पार्किंग मिल गई है। पार्किंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम रहता है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे पार्किंग मिल गई है, लेकिन हम लोगों को लकीली पार्किंग मिल गई है। सो लेट्स गो। I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try and to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. शॉर्ट्स मतलब अल्कोहल वाले शॉर्ट्स नहीं, जैसे कि आपको
पता है कि गुजरात स्टेट है वो ड्राई स्टेट में आता है, यहाँ पे अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक्चुअली वो है फ्रूट शॉट्स जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम लोग वो ट्राई करने जा रहे हैं। अभी बज रहा है रात के 12 और हम लोगों ने इतना अमेजिंग फूड इंजॉय किया है कि अभी खा के सबकी बैटरी डाउन हो गई है। सो अगर आप लोग आए अहमदाबाद में तो प्लीज़ यहाँ पे आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अहमदाबाद का जो फूड टेस्ट है वो सारा आपको यहाँ पे एक ही जगह पे सारा फूड टेस्ट आपको मिलेगा, चाहे वो पंजाबी हो, पाव भाजी हो। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये मार्केट मॉर्निंग के 4 बजे तक, हाँ 4 AM तक चालू रहता है, फुल नाइट फूड मार्केट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसका लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब वो तो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना प्लीज़। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तनु परम यूट्यूबर।